उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपको बता दें, मस्जिद हटाने को लेकर जमकर बवाल उत्पात हुआ। स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, आक्रोशित माहौल बन जाता है, जिसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद गिराने की मांग, हिंदू संगठन की ललकार। प्रदर्शनकारियों को रोका, पत्थरबाजों को मिला मौका। प्रदर्शनकारियों पर चले पत्थर, पत्थरबाजों का इलाज बुलडोजर। काशी की है, प्रदर्शनकारियों की भीड़, मस्जिद हटाने की मांग करते लोग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठाती ये प्रदर्शनकारियों की भीड़। जैसे ही जिला मुख्यालय के पास पहुंची, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने लगी। अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों को संभालती, उसके पहले ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था, वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में इन लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शन करने आए लोग भी जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस पथराव करने वालों की तलाश कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी मस्जिद हटाने का मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से रतन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल पुलिस लाठीचार्ज कर चुकी है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? दूसरा ये भी बताइएगा कि जो लोग हैं उनकी मांग क्या है। देखिए, उत्तरकाशी में गरमाया हुआ मस्जिद विवाद अभी और उलझा हुआ है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उत्तरकाशी की बात की जाए तो धारा 163 वहां पर लगाई गई है और जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी है, उन्होंने बंद का यहां पर आंदोलन किया है, आह्वान किया है, जिसका मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। कल पुलिस की चूक कहे, पुलिस की भूल कहे, यह कह लें कि पुलिस को भाप नहीं पाई, जो वहां पर पथराव हो गया, क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि हम जान आक्रोश रैली निकालेंगे। रैली के बीच में पुलिस पर भी पथराव होता है, उन लोगों पर भी, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उन पर भी पथराव होता है और उसके बाद मामला लगातार आगे बढ़ जाता है, जिसमें पुलिस के लोग भी जख्मी हुए हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। उसके बाद विरोध के स्वर भी वहाँ पर फूटने लगे, लेकिन आज की बात की जाए तो सुबह से ही वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से धारा 163 वहाँ पर लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि अब नियमानुसार जो होता है वो कीजिए, लेकिन कानून अपने हाथ में न लीजिए। तो जो व्यापारी संगठन उत्तरकाशी का है, उन्होंने बंद का आह्वान वहाँ पर किया। सुबह का वक्त है क्योंकि पहाड़ का ये नजारा होता है, मौसम भी ठंडा होता है, जो बंद पूरी तरह से है या नहीं उसका असर कुछ देर बाद सामने को मिलेगा। लेकिन कई दुकानें यहाँ पर बंद है, लोगों में आक्रोश भी है, जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पर पत्थरबाजी क्यों हुई। वहीं पत्थरबाजी के जो लाठीचार्ज पुलिस का हुआ, इसमें पुलिस वालों पर भी पथराव फेंका गया, उनके कुछ लोग भी इसमें अगर बात की जाए जानकारी आप दे रहे हैं किस तरीके से अवैध के खिलाफ जन आक्रोश देवभूमि में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर साफ पता लग रहा है इतनी भारी तादाद में लोग आ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साफ की मांग कर रहे हैं। खबरों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपको बता दें, मस्जिद हटाने को लेकर जमकर बवाल उत्पात हुआ। स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, आक्रोशित माहौल बन जाता है, जिसके बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद गिराने की मांग, हिंदू संगठन की ललकार। प्रदर्शनकारियों को रोका, पत्थरबाजों को मिला मौका।
रही है। प्रदर्शनकारियों की भीड़, मस्जिद हटाने की मांग करते लोग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठाती ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ जैसे ही जिला मुख्यालय के पास पहुंची, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने लगी। अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों को संभालती, उसके पहले ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था, वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में इन लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शन करने आए लोग भी जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस पथराव करने वालों की तलाश कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी मस्जिद हटाने का मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से रतन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन, इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल पुलिस लाठीचार्ज कर चुकी है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही? दूसरा ये भी बताइएगा कि जो लोग हैं उनकी मांग क्या है। देखिए, उत्तरकाशी में गरमाया हुआ मस्जिद विवाद अभी और उलझा हुआ है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उत्तरकाशी की बात की जाए तो धारा 163 वहां पर लगाई गई है और जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी है, उन्होंने बंद का यहां पर आंदोलन किया है, आह्वान किया है, जिसका मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। कल पुलिस की चूक कहे, पुलिस की भूल कहे, यह कह लें कि पुलिस को भाप नहीं पाई, जो वहां पर पथराव हो गया, क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग थे उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे। रैली के बीच में पुलिस पर भी पथराव होता है, उन लोगों पर भी, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उन पर भी पथराव होता है और उसके बाद मामला लगातार आगे बढ़ जाता है, जिसमें पुलिस के लोग भी जख्मी हुए हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। उसके बाद विरोध के स्वर भी वहाँ पर फूटने लगे, लेकिन आज की बात की जाए तो सुबह से ही वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से धारा 163 वहाँ पर लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि अब नियमानुसार जो होता है वो कीजिए, लेकिन कानून अपने हाथ में न लीजिए। तो जो व्यापारी संगठन उत्तरकाशी का है, उन्होंने बंद का आह्वान वहाँ पर किया। सुबह का वक्त है क्योंकि पहाड़ का ये नजारा होता है, मौसम भी ठंडा होता है, जो बंद पूरी तरह से है या नहीं उसका असर कुछ देर बाद सामने को मिलेगा। लेकिन कई दुकानें यहाँ पर बंद है, लोगों में आक्रोश भी है, जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पर पत्थरबाजी क्यों हुई। वहीं पत्थरबाजी के जो लाठीचार्ज पुलिस का हुआ, इसमें पुलिस वालों पर भी पथराव फेंका गया, उनके कुछ लोग भी इसमें अगर बात की जाए जानकारी आप दे रहे हैं किस तरीके से अवैध के खिलाफ जन आक्रोश देवभूमि में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर साफ पता लग रहा है इतनी भारी तादाद में लोग आ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नहीं खबरों